किसान आंदोलन लगभग 6 महीने से जारी है। इसे किसान आंदोलन 2.0 कहा जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी एक किसान आंदोलन हो चुका है जो 1 साल से ज्यादा समय तक चला था। इसे आप किसान आंदोलन 1.0 कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये किसान आंदोलन 1.0 कब शुरू हुआ था? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको कुछ ऑप्शन देते हैं। तो सवाल ये है कि किसान आंदोलन 1.0 कब शुरू हुआ था? 2019, 2020, 2021 या फिर 2022? सोचिए क्या लगता है आपको किसान आंदोलन 1.0 कब शुरू हुआ था? चलिए हम ही आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब है 2020। अब जानते हैं किसान आंदोलन 1.0 से जुड़ी सारी जानकारी। 5 जून 2020 को भारत सरकार ने 3 कृषि बिल पेश किए। इस समय ही बड़े किसान आंदोलन की चिंगारी पैदा हो चुकी थी। किसानों ने 3 बिलों का विरोध किया, कहा इससे हमारा भला नहीं होगा। इसके बाद 14 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में एक अध्यादेश लाया गया। 17 सितंबर को ही लोकसभा में पास हुआ। 3 दिन के बाद यानी कि 20 सितंबर को राज्यसभा में भी इसे पास कर दिया गया। 24 सितंबर को पंजाब में किसानों ने इसके खिलाफ 3 दिनों के लिए रेल रोको अभियान की शुरुआत की, लेकिन इसका असर सरकार पर कुछ नहीं पड़ा। 25 सितंबर को ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आंदोलन की शुरुआत की। 27 सितंबर को इन बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और ये बिल कानून बन गए। सरकार का कहना था कि इन कानूनों से किसानों का भला होगा, लेकिन किसानों को डर था कि सरकार इन कानून के जरिए कुछ निंदा फसलों पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को खत्म कर देगी और खेती किसानी के कॉर्पोरेटीकरण को बढ़ावा देगी। इसके बाद उन्हें बड़ी एग्री कमोडिटी कंपनियों का मोहताज होना पड़ेगा। इसलिए किसानों ने इन 3 कानूनों को वापस लेने की मांग की। 13 महीने तक उन्होंने आंदोलन किया। इस दौरान कई किसानों की मौत भी हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने 700 से ज्यादा किसानों की लिस्ट जारी की जो आंदोलन के दौरान मारे गए थे। नवंबर 2021 में भारत सरकार ने 3 कानूनों को वापस ले लिया। इस दौरान सरकार ने किसानों को MSP की गारंटी देने का वादा किया। जब सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लिए, तब किसानों ने सरकार से कुछ मांगे भी की थी। वो मांगे क्या थी समझिए। पहला ये कि इस आंदोलन के दौरान अगर किसी भी राज्य या केंद्र की एजेंसी ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है तो आंदोलन संबंधी सभी मामले वापस लिए जाएं। दूसरा ये कि आंदोलन के दौरान मरने वाले सभी आंदोलनकारी किसानों के परिवार को मुआवजा मिले। तीसरा, पराली जलाने के मामले में किसानों पर कोई आपराधिक कानून ना हो। चौथा ये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया जाए और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों को इस समिति में जोड़ा जाए और देश में MSP और इसकी खरीद पर चल रही नीति जारी रहे, क्योंकि अब तक इन मांगों को पूरी तरह से नहीं माना गया है। इसी के चलते ये आंदोलन किसान आंदोलन 2.0 के रूप में सामने आया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।